पैनिक अटैक आ रहा है बहुत बुरी तरह और इससे कैसे बचा जाए, सांस भी नहीं आती इसके अंदर तो क्या करें, ये इतनी डेंजरस हो चुकी है और इतने लोग इस्तेमाल करें कि इसका हल बहुत जरूरी है। Assalamualaikum, I'm Nabika Badul. I'm a Muslim inspirational speaker, trainer, coach and entrepreneur. एक मसला जो बहुत ज़्यादा unfortunately माशरे के अंदर बढ़ रहा है एंड वैसे ही यू नो बहुत से लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो शायद आपने भी अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस की हो, जिसको कहा जाता है पैनिक अटैक। जी हाँ, ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है और इससे बचना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इससे बचने के लिए हमें ऑब्वियसली बहुत कमाल की टेक्निक्स और चीज़ें चाहिए होती हैं जिससे हम इन चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकें। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत से लोग इससे गुजर रहे और मैंने एक्चुअली ये जो है इस इशू को आप सीरियस लीजिए और पर्सनलाइज कोचिंग जो है अवेल कीजिए हैप्पी लाइफ लेडीज़ के साथ, ताकि ये मसला आप जड़ से ख़त्म कर सकें, बिकॉज इट्स नॉट नेचुरल, ना ही हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ है। ठीक है, अगर आपके बच्चों के साथ हो रहा है उनको ये वीडियो दिखाइए और उनके हमारे साथ पर्सनलाइज कोचिंग करवाइए, ताकि हमारे प्रोफेशनल कोचेज आपकी ज़िंदगी आसान कर सकें और उन्हें इन डेंजरस चीज़ों से बचा सकें, बिकॉज पैनिक अटैक्स बहुत बुरी जगह लेकर जा सकती हैं। एक्चुअली हमें इसकी बहुत अच्छी टेक्निक्स भी चाहिए थे। वैसे तो मैंने बहुत सी वीडियो शेयर की हैं जिसके लिए मैंने बताया कि पैनिक अटैक से रिलीफ हासिल करने के लिए या पैनिक अटैक जो है उसे छुटकारा हासिल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। एंड थैंक यू वेरी मच, मुझे उस पर बहुत प्यार मिला और आप लोगों ने शेयर किया कि कैसा आप लोगों को उसे कहने छुटकारा हासिल हुआ या कैसे आप लोगों ने उसके बाद फील किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो के बाद भी आपने कमेंट्स में अपने राय का इजहार करना है और बताना है, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट में कि पैनिक अटैक जो है जब आप एक्सपीरियंस करते हैं क्या फील होता है, एंड यू नो कितनी देर से फील कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि कितना डेंजरस और ये कितना पेनफुल होता है। ओके, सो एक्चुअली मुझे मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था, मुझे क्वेश्चन आया था कि जब पैनिक अटैक आता है तो सांस नहीं आती, ब्रेथलेस हो जाते हैं, तो क्या किया जाए। तो ये वाली जो टेक्निक है ये एग्जैक्ट आप लोगों के साथ फिट होगी, ये इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसको कहा जाता है 5-4-3-2-1 मेथड। क्या कहा जाता है? 5-4-3-2-1 मेथड। बट ये काम कैसे करता है? नाम सुनने में तो बड़े मज़े का लग रहा होगा, लेकिन ये काम कैसे करता है? ये हमने इसके लिए क्या करना होता है, 5 चीज़ें हमने ऐसी आइडेंटिफाई करनी होती हैं जो हम देख सकते हैं, 4 चीज़ें ऐसी आइडेंटिफाई करनी होती हैं जो हम टच कर सकते हैं, ठीक है, 3 चीज़ें ऐसी आइडेंटिफाई करनी होती हैं जिनको हम सुन सकते हैं, 2 चीज़ें ऐसी आइडेंटिफाई करनी होती हैं जिनको हम स्मेल कर सकते हैं, और 1 चीज़ ऐसी आइडेंटिफाई करनी होती है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको शायद सुनने में बड़े मज़े की लगी हो, इसलिए हम इसको करके देखते हैं कि कैसे होता है। एक्चुअली ये हम इसकी साइंस बाद में करते हैं डिस्कस, पहले हम इसको देख लेते हैं कैसे करना है। जब पैनिक अटैक आपको आता है ना, तो क्या होता है कि हमारे देहन में अलग ही थॉट्स चल रहे होते हैं कि कहीं मुझे हो ना जाए, कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो मैं बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुका और आप बेहतर जानते हैं कि क्या क्या फील होता है बंदे को, ठीक है। तो हमें जो है उसे छोड़ के प्रेजेंट मोमेंट में आना था, और ये इंशाल्लाह ताला टेक्निक आपको बहुत ज़्यादा, ये मेथड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपने क्या करना है, 4-5-5-4-3-2-1 याद करना है, यानी 5 चीज़ें जो आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या देख सकते हैं आप पैनिक अटैक में? क्या देख सकते हैं आप? फिर कैमरा देख सकते हैं, मेरे पास चेयर पड़ी है, ओके, 2 चीज़ें होगी, टेबल पड़ा है मेरे पास एयर फ्रेशनर पड़ा है, मैं अपने परफ्यूम्स देख सकती हूँ, 5 चीज़ें आपके सामने आ गई। अब आपने 4 चीज़ें ऐसे आइडेंटिफाई करनी है जिनको आप टच कर सकते हैं। मैं टच कर सकती हूँ, मैं किन चीज़ों को टच कर सकती हूँ, मैं अपने हैंड को टच कर सकती हूँ, मैं अपने कपड़ों को टच कर सकती हूँ, और मैं किसे टच कर सकती हूँ, मैं अपने दुपट्टे को टच कर सकती हूँ, मैं अपने चेयर को टच कर सकती हूँ, 4 चीज़ें होगी, ठीक है। फिर 3 चीज़ें आप लोगों ने ऐसी आइडेंटिफाई करनी है जिनको आप सुन सकते हैं। मैं क्या सुन सकती हूँ? मैं अपनी आवाज़ सुन सकती हूँ, मुझे ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है बाहर से, ओके, मैं ट्रैफिक की आवाज़ सुन सकती हूँ, मुझे मेरे भाई की आवाज़ आ रही है, मेरा भाई बोल रहा है, 3 चीज़ आपने आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है, भाई नहीं या कुछ और भी, मुझे पंखे की आवाज़ आ रही है या हवा चल रही है या बारिश हो रही है उसकी आवाज़ आ रही है, आप कोई भी चीज़ जो है इसको देख सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद 2 चीज़ें जो कि जो है आप स्मेल कर सकते हैं, क्या स्मेल कर सकते हैं आपके पास जो भी चीज़ पड़ी है, या वैसे आप हवा में कुछ स्मेल कर सकते हैं तो आप वो बता सकते हैं, जैसे कि आपके पास चाय पड़ी है, मैं चाय को स्मेल कर सकती हूँ, ठीक है, मुझे उसकी खुशबू आ रही है, चाय को मैं सूंघ सकती हूँ, ओके, और क्या मैं सूंघ सकती हूँ, मैं अपने परफ्यूम को सूंघ सकती हूँ, मुझे उसकी खुशबू आ रही है। उसके बाद आप एक चीज़ जो लास्ट में रह जाती है, एक चीज़ जो आप जो है टेस्ट कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले एक टॉफ़ी खाई थी, मैं फिल वक्त उसको टेस्ट कर सकती हूँ, तो आप देखिए कि आप क्या टेस्ट कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें, क्या 5 चीज़ें जो आप देख सकते हैं, 4 चीज़ें जो आप टच कर सकते हैं,
तीन चीज़ें वो जिनको आप सुन सकते हैं, दो चीज़ें वो जिनको आप स्मेल कर सकते हैं, और एक चीज़ वो जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। और आखिर इस टेक्निक में हो क्या रहा है? हम जब पैनिक अटैक में होते हैं ना, हमारे जहन में अलग अलग ख्याल आ रहे होते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट पर नहीं होते। तो ये टेक्निक क्या काम करती है कि हमें उन ख्याल से छुटकारा हासिल करने में मदद करती है, और हमें प्रेजेंट मोमेंट पर लाती है। प्रेजेंट मतलब मौजूदा कह लें वक्त में हमें लेके आती है, ठीक है। हम इसके ऊपर फोकस करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा कह लें इफेक्टिव है, मौजूदा वक्त में लेके आती है। और अगर आपने एक और चीज़ नोटिस की हो, 5, 4, 3, 2, 1 इसके अंदर क्या है, इन्होंने 5 senses यूज़ किए हैं इस टेक्निक के अंदर। क्या 5 senses? एक इंसान की 5 senses होती है ना, जैसे साइट, टच, हियरिंग, स्मेल एंड टेस्ट। ये 5 senses होती हैं। तो उसके अंदर यही हुआ है, 5 चीज़ें जो आप जो है देख सकते हैं, 4 चीज़ें जो आप टच कर सकते हैं, 3 चीज़ें जो आप सुन सकते हैं, 2 चीज़ें जो आप स्मेल कर सकते हैं, और 1 चीज़ जो आप टेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर 5 senses हमारी पूरी यूज़ हुई है। तो क्या होता है, ये हमें प्रेजेंट मोमेंट में लाने की कोशिश की जा रही है हमारी खुद की senses यूज़ करके। एंड आप अगर इसको नॉर्मली भी ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा देख के, ठीक है। तो प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए कमाल बेस्ट टेक्निक है। आप अभी भी बैठे हैं ना, आप इसको ट्राई कीजिए। आप किसी को देखेंगे वो अपने ऊपर कंट्रोल खो रहा है ना, या कोई पैनिक अटैक बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, ब्रेथलेस हो रहा है, तो उसको कहिए कि ये जो है देखो, ठीक है, ये करो, 5 चीज़ें जो है जो तुम देख सकते हो मुझे बताओ, 4 चीज़ें जो टच कर सकते हो वो बताओ, 3 चीज़ें जो सुन सकते हो वो बताओ, 2 चीज़ें जो स्मेल कर सकते हो वो बताओ, 1 चीज़ जो कि टेस्ट कर सकते हो वो बताओ। ये उसे प्रेजेंट मोमेंट में लाने में हेल्प करेगा, बजाय कि वही सोचे कि मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरा दिल रुक रहा है, या मैं अपने ऊपर कंट्रोल खो रही हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा, एंड वर्स्ट केस सिनेरियो सोचने लग जाए। तो उसे प्रेजेंट मोमेंट में लाइए, ताकि वो इन चीज़ों से छुटकारा हासिल करके अपने दिमाग को एक रिलैक्स्ड कंडीशन में लेके आए। एंड ये टेक्निक इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, आप पैनिक अटैक फील कर रहे हो, ये इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड ये जो है दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। अच्छा, मैं आप लोगों को जो अक्सर टेक्निक्स बताती हूँ ना, बल्कि अक्सर क्या, जितनी भी टेक्निक्स बताती हूँ मैं आपको एक्सपेरिमेंटेड बताती हूँ, ठीक है। वाइल इसका 5, 4, 3, 2, 1 मेथड जो है बहुत आपने हो सकता है सुना भी हो, लेकिन ये जो है ना, इसका कोई मतलब एक बताया नहीं जाता कि ये पायनियर है इसका, या फिर इसने ये जो है इंट्रोड्यूस करवाई थी, ये मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन मैं जो असल में जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी कुछ टेक्निक्स, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कुछ टेक्निक जो मैंने पास में आपके साथ शेयर की थी, एंथनी रॉबिन्स ने इंट्रोड्यूस करवाई, वो मैंने आपको बताया, कुछ डोना एडन ने इंट्रोड्यूस करवाई, बहुत से ऐसे मैं आप लोगों को साथ साथ बताती हूँ। तो इसका कोई स्पेसिफिक बताया नहीं जाता, लेकिन ये बहुत कमाल की टेक्निक है। मैं आपके साथ वो टेक्निक्स, ट्रिक्स या टिप्स शेयर करती हूँ जो कि पॉजिटिव होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, एक्सपेरिमेंटेड होते हैं, जो कि आप कभी भी यूज़ करोगे प्रैक्टिकली आपको उसका रिजल्ट नज़र आएगा। मैं सिर्फ बातें नहीं करती, मैं आपको करके दिखाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यही एक मुस्लिम की पहचान होती है कि वो क्या करे, उसे बातें ना करे, वो करके दिखाए। तो लबीका के साथ आप मेरे साथ भी जब मिलेंगे, आप मेरे साथ इंटरेक्शन करेंगे, आपको मैं वो सामने करके दिखाऊंगी, आपको वो मैं साबित करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो भी शेयर करती हूँ वो एक्सपेरिमेंटेड और सही होता है। आप भी इसको अप्लाई कीजिए, और प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आप कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसके बाद, और आपको क्या, आपके कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस है जिनके जिनके आपको कह लें बहुत ज़्यादा बुरा महसूस हुआ, या पैनिक अटैक्स में आप क्या फील करते थे, वो ज़रूर बताइए, ताकि हमें हमारी आवाम को, हमारे लोगों को पता चले कि एक्चुअली ये बहुत पेनफुल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी लाइफ लेडीज़ क्लब को फॉलो करना और ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ता हुआ पाकिस्तान का बेस्ट क्लब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।